फोर बाय फोर का ड्रॉ करना है। हाँ, 4 इंच बाय 4 इंच का ड्रॉ करना है। हमारे पास में कोई भी प्लॉट आता है, ये हमने एक छोटा सा प्लॉट बनाया, प्लॉट लेने के बाद में हमको उसका सेंटर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में आउटर बाउंड्री है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, ना कोई कट है, कोने से हमने कोना मिलाया। अब इस प्लॉट को हम ये मानते हैं कि ये 0 डिग्री नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। अभी आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, खाली देखेंगे, अभी आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, खाली देखेंगे। 0 डिग्री नॉर्थ फेसिंग, रेफरेंस वॉल जो हो गई हमारी वो नॉर्थ हो गई। इसका मतलब एरो लगा करके मैंने ये लिखा हुआ है 0 डिग्री नॉर्थ। तो इस बॉक्स के हिसाब से जो ये एरो लगा हुआ है, ये एरो दिखा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब यहां से लेके यहां तक वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल, ये हमारी रेफरेंस वॉल हो गई नॉर्थ की। अब चूंकि मैंने यहां पर डिग्री ले रखी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 डिग्री नॉर्थ फेसिंग वॉल। तो जो ये मैंने सेंटर निकाला, जो मैंने क्रॉस कोने से बनाया, अब इसका मैं एक प्लस का ग्रिड भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 180 डिग्री साउथ, और ये हो गया 270 डिग्री वेस्ट। अभी शक्ति चक्र लेकर आते हैं हम। शक्ति चक्र में 350 और 10 के बीच में 0 डिग्री आता है। इसकी थोड़ी सी लाइन मैं बड़ी ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि शक्ति चक्र बड़ा है, ड्राइंग हमने छोटी बनाई है। मैंने जब इस शक्ति चक्र को प्लेस किया, तो ये जो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करी थी, ये सेंटर लाइन ड्रॉ ही इसलिए करी थी ताकि शक्ति चक्र पे 0 डिग्री की मार्किंग नॉर्थ की रेफरेंस वॉल पर सेंटर में करनी है। तो इस रेफरेंस वॉल की, यह है नॉर्थ की रेफरेंस वॉल, नॉर्थ की रेफरेंस वॉल का जो सेंटर है वो ये है। अब मैंने ये मेरे सेंटर की लाइन जा रही है, अब इस सेंटर से जो मेरे ये जो ग्रिड है, वो शक्ति चक्र है, इसके सेंटर को मिलाया, इस सेंटर को मैंने मेरे प्लॉट के सेंटर से मिलाया और इसको 0 डिग्री पे सेट कर लिया। 350, 10 इन दोनों के बीच में सेंटर मार्क कर लिया।